ओम शांति। 17/9/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं आज की साकार मुरली के मधुर महावाक्य। मुरली सार बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी यह लाइफ मोस्ट वैल्यूबल है। तुम्हें इस जन्म में कौड़ी से हीरे जैसा बनना है, इसलिए जितना हो सके बाप को याद करो। प्रश्न है, किस एक बात में खबरदार ना रहने से सारा रजिस्टर खराब हो जाता है? उत्तर है, अगर किसी को भी दुख दिया तो दुख देने से रजिस्टर खराब हो जाता है। और बाबा के बच्चे, सुखकर्ता के बच्चे, प्रेम के सागर के बच्चे, सुखदाता के बच्चे, मास्टर प्रेम के सागर, मास्टर सुखदाता, दाता वरदाता बच्चे हुए तो किसी को भी दाता के बच्चे दुख नहीं दे सकते ना, नहीं तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। इस बात में बड़ी खबरदारी चाहिए। दूसरों को भी दुख देना माना स्वयं को दुखी करना। जब बाप कभी किसी को दुख नहीं देते तो बच्चों को बाप समान बनना है ना। जैसा आप दोगे वैसा ही तो काटोगे, जैसा ही तो मिलेगा वैसा ही पाओगे। फूल फेंकोगे फूल आएगा वापस, बॉल फेंकोगे बॉल आएगा। तो जैसे जिसके प्रति आपकी भावना, जैसे जिसके प्रति आपकी कामना, वैसे ही आपके प्रति सामने वाले की कामना भावना है ना। तो दुख देना माना दुखी होना, दुखी करना माना दुख लेना। तो बाबा कहते हैं, तुम्हें तो बाप समान बनना है। 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेने के लिए एक तो पवित्र बनो, दूसरा मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख ना दो। गृहस्थ व्यवहार में बहुत मीठा व्यवहार करो। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। अब तकदीर कौन जगा कर आई है? आत्मा। ओम शांति। तुम जानते हो कि हम आत्माएं अपनी क्या तकदीर बना कर आए हैं? अभी फिर नई दुनिया के लिए हम तकदीर बना रहे हैं। यह भी जानते हो, वह है जिस्मानी लड़ाई पर, तुम ब्राह्मण हो रूहानी लड़ाई पर। नई दुनिया का मालिक बनने के लिए, रावण पर विजय पाने के लिए तुम लड़ाई पर हो। बाप इस समय सम्मुख बैठकर समझाते हैं तो ठीक लगता है। बाहर निकलने से कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिस हो जाती हैं, भूल जाते हैं, तुम मुरझा जाते हो। बाप है श्रीमत देने वाला, नई दुनिया का स्वराज्य देने वाला। स्व अर्थात आत्मा कहती है, पहले मुझे गदाई थी, अब राजाई मिलती है। गदाई और राजाई का बाबा ने यथार्थ अर्थ समझाया है और मिसाल दिया है गधे का। तो उनको गदाई क्यों कहते हैं? गधे का मिसाल देते हैं क्योंकि गधे को श्रृंगार कर धोबी लोग कपड़े की गठरी रखते हैं। गधे ने मिट्टी देखी तो मिट्टी में लथेड़ी लगाने लगते हैं, लेट जाते हैं, है ना, उलट पलट होने लग जाते हैं। तो यहाँ भी बाप आए हैं बच्चों को स्वराज्य देने, श्रृंगार करते हैं। चलते चलते बच्चे फिर माया की धूल में पकड़कर श्रृंगार सारा खलास कर देते हैं। श्रृंगार जो आत्मा का बाबा करते हैं, वो श्रृंगार को क्या करते हैं, माया रूपी धूल मिट्टी में लोट पीट हो जाते हैं। तो वह क्या हो जाते हैं, सारा खलास कर लेते हैं श्रृंगार में, धूल में, है ना, माया रूपी धूल में। बच्चे खुद भी समझते हैं कि बाबा हमको श्रृंगार दे बहुत अच्छा है। फिर माया ऐसी प्रबल है जो हम लथेड़ कर श्रृंगार खराब कर देते हैं। सबसे बड़ी धूल है विकार की। तुम्हारी लड़ाई है ही खास विकारों से। बाप कहते हैं काम विकार महाशत्रु है, कैसे शत्रु बना यह कोई भी नहीं जानता। बाप ने हमको स्वराज्य दिया था, अब गवाया है। फिर बाप आकर विकारों पर जीत पाने की युक्तियाँ बताते हैं। वास्तव में तुम्हारी लड़ाई काम महाशत्रु से है। अब बाप कहते हैं कामी से निष्कामी बनो। निष्कामी अर्थात कोई भी कामना नहीं, जिसमें कोई विकार नहीं, उसको निष्कामी कहेंगे।
बाप काम पर जीत पहनाते हैं। कोई को पता नहीं कि रावण राज्य कब से शुरू हुआ। जगन्नाथ के मंदिर में देवताओं के बड़े गंदे चित्र लगे हैं। इससे सिद्ध होता है देवताओं के वाम मार्ग में जाने से मनुष्य कामी बन जाते हैं। मतलब कई कई फिर मजाक भी उड़ाते हैं, कहते तुम्हारे यहाँ के देवी देवता, तुम्हारे यहाँ के जो भगवान हैं वो ऐसे सब काम करते थे, है ना? क्योंकि वहाँ पे ऐसे मुंह तो देवी देवताओं का रखा है और नीचे फिर काम विकार में, काम वासना में दिखाया है। तो बाबा कहते हैं उस सबसे यह सिद्ध होता है कि देवताओं के वाम मार्ग में जाने से मनुष्य कामी बन जाते हैं, है ना? अभी तुम कामी मनुष्य से निष्कामी देवता बन रहे हो, तुम्हारी युद्ध न्यारी है। बाबा छिछी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं, यह है विश्व वैतरणी नदी। तुम्हारी यह लाइफ मोस्ट वैल्यूबल है, इसमें कौड़ी से हीरे जैसा बनना है सारे बुद्धि की बात। तुम्हें बाबा की याद में रहना है। आजकल तो मौत के लिए अनेक बॉम्ब्स बनाए हैं, एक बॉम्ब में एक एक देश खत्म हो सकता है ना? न्यूक्लियर बम, मौत बॉम्ब आदि बनाए हैं। देखा तो मनुष्यों ने तो कोई गुनाह नहीं किया है। आगे तो हमेशा लड़ाई शहर से बाहर मैदान में होती थी, फिर विजय पाकर शहर के अंदर आते थे। आजकल तो जहाँ देखो वहाँ बॉम्ब्स ठोक देते हैं, है ना? पब्लिक प्लेस में सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो बच्चों को कहाँ भी आना जाना है तो बाप की याद में रहकर औरों को याद कराना है। तुम्हारी तो ब्रांचेस खुलती ही रहेंगी, बाबा की पाठशाला की ब्रांचेस तो खुलती ही रहेंगी, ईश्वरी विश्वविद्यालय की, है ना? जगह जगह बनेंगे। तो बाबा कहते हैं दान क्या करना चाहिए, सो भी तुम बच्चे ही समझते हो। उत्तम से उत्तम दान है अविनाशी ज्ञान रत्नों का, फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए संसार में दो चीज़ें फ्री होनी चाहिए, एक हेल्थ, एक वेल्थ, है ना, और एक एजुकेशन। तीन चीज़ें कलयुग में सबसे ज़्यादा, एजुकेशन और हेल्थ, इन दोनों में ही पैसा कमाया जा रहा है। यहाँ बाबा हमें हेल्दी वेल्दी बनाते हैं, वो भी आधे कल्प के लिए, और यह पढ़ाई एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाबा इसके बदले कोई किसी से स्थूल धन लेते ही नहीं हैं, है ना? हाँ, फिर कई कई आत्माओं के प्रश्न उठता है मन में कि फिर कैसे यह संस्था चलती है, बाबा का कैसे ईश्वरी विश्वविद्यालय चल रहा है, कैसे इतने हजारों बच्चों की पालना बाबा कर रहे हैं कैसे? तो देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल खुद से ही ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं स्थूल धन से बहुत बहुत अधिक संपूर्ण हूँ, है ना, बहुत ज़्यादा धन है, और ईश्वर की चाहत में खूब घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ धक्के खा रहे हैं, भटक रहे हैं। और यदि आप मधुबन ही चले गए या कोई सेंटर में ही चले गए, बाबा के ईश्वरी विश्वविद्यालय में चले गए, और आपको जो आप इतने द्वापर से भटकते आ रहे, जैसे ईश्वर की चाहत में, जैसे ईश्वर की खोज में, जिस शांति की खोज में आप भटक रहे हैं दर दर, और यदि वो ईश्वर ही आपका बन जाए और आपको यह पता चल जाए कि हमें आधे कल्प के लिए मिलना है सब कुछ सुख शांति, है ना, तो बाबा कहते हैं फिर वो बच्चे अपने आप ही वो धन स्वतः ही देते हैं, बाबा मांगता नहीं है। तो जब ईश्वर ही मिल गया तो वो धन उनके प्रति कुछ भी नहीं, कागज़ के समान होता है। तो फिर वो धन उनको बाबा के नाम भंडारी में डालते, तो फिर बाबा उस धन से फिर बाबा अपने बच्चों की पालना नंबर वन से करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चंदा आदि करता है, कुछ भी नहीं लेते बाबा। हाँ, बाबा ने ये ज़रूर कहा जिसके पास जो है उससे सेवा करो, तन से, मन से, धन से। बाबा ने मनसा सेवा सबसे ज़्यादा ऊंची बताई है ना? तो बाबा कहते हैं इस तरह से ब्रांचेस और खुलती रहेंगी, दान क्या करना है ना? तो यह सब बातें बच्चे ही समझते हैं। उत्तम ते उत्तम दान है अविनाशी ज्ञान रत्नों का। घर घर में तुम यह हॉस्पिटल खोल दो, रूहानी बाप आया है ना रूहों की सफाई करने के लिए, तो तुम्हारे हॉस्पिटल में दवाई आदि कुछ भी नहीं है, सिर्फ बाप का परिचय देना है। एक है शारीरिक रोगों को दूर करने वाला, शरीर के अंगों को जहाँ तहाँ फिट करने वाला डॉक्टर, और एक है रूह का डॉक्टर, रूहानी डॉक्टर, जिस
रूह के द्वारा ये शरीर चलता है और शरीर में रहने वाली उस रूह को चलाने वाला भी एक रूहानी बेहद का बाप है, रूहानी डॉक्टर है, वो आया है ऑलमाइटी गॉड, है ना। तो उसको याद कर उसका परिचय सबको देना है, यह दान बाबा कहते हैं करना है। अच्छा, तो बाबा कहते इस तरह से तुम्हें परिचय देना है कि उठते बैठते बाप को याद करो, ऐसे नहीं कि एक जगह बैठ जाना है। यह तो जब कोई याद नहीं करते हैं तो संगठन में बिठाया जाता है, संगठन में बल मिलेगा। बाबा ने जितने भी योग आपने किए हैं अभी तक, इधर सेंटर से आने से पहले या बाबा को ना जानने से पहले जो भी योग करे, उसमें कुछ ना कुछ आपको शारीरिक श्रम, कुछ ना कुछ मेहनत लगती है, लेकिन यहाँ बाबा ने सहज योगी, कर्म योगी कहा है ना। वो हठ योगी नहीं, बाबा ने यहाँ कोई पैर के ऊपर पैर रख कर या कोई स्पेशल आसन बिछा कर या कोई चित्र आदि रख कर या कोई शांत जगह में जाकर या कोई ऐसे प्लेस में बैठ जाना जहाँ दूर दूर तक कोई ना हो, ऐसा कुछ भी बाबा ने यहाँ नियम नहीं रखा है। बाबा ने कहा ना तो चित्र की दरकार है, ना कमर सीधी करने की दरकार है, ना कोई आसन बिछाने की दरकार है, ना शरीर पर कोई ऐसा स्पेशल कोई कलर का कपड़ा ज़रूरी है, और ना ही आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, ना खान पान का कोई वो रखना है कि अब निर्जला रह गए, व्रत रख लिया या कोई खूब ज़्यादा स्थूल धन को चढ़ोतरी दे दी, फल फ्रूट दे दिए, ऐसा कुछ भी बाबा ने ना तो धन खर्च करने की बात कही है और ना ही शारीरिक श्रम करने की बात कही है, और ना ही बस आदि से कहना चाहिए यात्रा करके आपको कोई मंदिर जाने की आवश्यकता है। बाबा ने सहज योग, कर्म योग कहा है। कर्म में रहते मेरे साथ में अपने मन को जोड़ कर रखो, बुद्धि से मेरे पास रहो, मन बुद्धि से मेरे साथ प्रीत रखो, एक से प्रीत रखो, है ना। तो यह बाबा ने कहा है। अब बाबा तो सहज योग बताते, अब हम आपने मिलकर यदि इसे कठिन योग बना दिया है तो इसमें बाबा का दोष नहीं है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं है कि इसे एक जगह बैठ जाना है, यह तो जब कोई याद नहीं करते ना, बाबा कहते तब संगठन में बिठाया जाता है। और संगठन में क्यों बिठाया जाता है, क्योंकि उस समय फिर जब एक साथ एक समय पर एक इतने सारे पॉजिटिव संकल्प और इतनी सारी शक्तियों की पॉजिटिविटी जो एनर्जी रहेगी, है ना, इतनी शक्तिशाली एनर्जी के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो एक साथ संगठन में बैठने से, एक साथ फैलने से फिर बल मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं संगठन में बल मिलेगा। संग तारे को संग बोरे, बाहर जाने से फिर भूल जाते हैं। बाप ने समझाया है सवेरे उठ बाप को याद करो, याद का चार्ट रखो कि कितने टाइम हमने याद किया, अगर नहीं है कुछ लिखने के लिए तो बाबा को रात में लिखो या बोल दो सोते सोते कि बाबा एवरीथिंग इज ओके, आज मुझे किसी से कोई कंप्लेन नहीं है, आज का दिन मेरा आपके साथ बहुत 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 अच्छा बीता, या कोई कंप्लेन है, कोई शिकायत है, कोई गलती हुई है, सब कुछ लिख दो, कितना याद किया सब चार्ट रखो। तो बाबा कहते हैं नहीं भी रख सकते हैं तो बोलो, मैं तो सुनूंगा, है ना। तो भारत का प्राचीन योग मशहूर है, बहुत जगह योग आश्रम है, वह सब हठ योग सिखाते हैं, उसमें कोई फायदा नहीं है। उसको हठ योग कहा जाता है, राजयोग मनुष्य मनुष्यों को सिखला ना सके। राजस्व जब राजाई हमें मिलनी है तो वो राजाई जिससे मिलनी है तो योग भी तो उसी से लगाना होगा, और योग उसी से लगाने के लिए वह आए तभी तो फिर वो अपना एड्रेस बताए, है ना, कि मैं कैसे मुझे याद करना है और मैं कौन हूँ, मैं जैसा हूँ जो हूँ मैं आऊँ तभी मैं अपना परिचय दूँ। कोई भी मनुष्य भगवान का परिचय नहीं दे सकता है, है ना। बाबा कहते हैं कोई भी मनुष्य यह राजयोग सिखला ना सके, विलायत में जाते हैं भारत का प्राचीन योग सिखाने, परंतु वह सब है ठगी। सर्वोत्तम संन्यास तो तुम्हारा है,
तुम पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो, बुद्धि से है ना समर्पित करते हो सब कुछ, तो यह बाप ही आकर सिखलाते हैं। बाप कहते हैं बुद्धि से पुरानी दुनिया का संन्यास करो, तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है, पांच विकारों का संन्यास करना है, दे दान तो छूटे ग्रहण। अब इस संसार में तो सभी को ग्रहण लगा, तमो प्रधान तो सब हैं, पांच तत्वों को भी लगा, चांद सूरज को सबको लगा है ना। तो पापा कहते हैं फिर ये विकारों का दान देना, और प्रकृति की सफाई तो हो ही रही है, प्रकृति का स्वरूप बदलेगा ना है ना, प्रकृति अपना बदलेगी तो तमो प्रधान से फिर सत्व प्रधान होना है। तो ये सब जो प्राकृतिक आप हैं वो सब सफाई के कार्यों में कहना चाहिए बाबा का हेल्प करती है ना। तो पांच विकारों का संन्यास करना है, फिर युक्ति मिलती है बाबा, तो युक्ति देते हैं। अनेक जन्मों का सिर पर जो पाप है वह वह इस जन्म में जो पाप किए हैं वह कैसे छूटे, जन्म जन्मांतर के तो हैं ही और इस जन्म के भी तो हैं, और आगे के लिए जोड़ना भी तो है, अकाउंट बैलेंस भी तो बनाना है आगे के लिए, तो कितना सारा इकट्ठा करना है पुराना अभी का और आगे के लिए है ना, तो वह कैसे छूटें, उसका प्रायश्चित कैसे हो। बात कहते हैं कल्प कल्प तुम बच्चों को मैं समझाता हूँ, बाप को याद करना है और चक्र भी घुमाना है, तुम्हारा स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है, इस चक्र से तुम्हारे सब पाप नाश हो जाते हैं। स्वदर्शन चक्र की कितनी महिमा है, तुम्हारा स्वदर्शन चक्र फिरता है। उन्होंने फिर दिखाया है, श्री कृष्ण ने स्वदर्शन चक्र लगाया, जबकि उधर तो यह सब हाथ में कोई चक्र फिरते रहने की कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन बाबा ने समझाया है कि जो कृष्ण है उसके सब 84 जन्मों का जो स्व का दर्शन है ना, आत्मा का जो चक्र है 84 का, उसे ही बाबा ने स्व का दर्शन स्वदर्शन चक्र कहा है। लेकिन फिर वहाँ पे श्री कृष्ण ने स्वदर्शन चक्र लगाया, ऐसे दिखाया कितने मर गए, वह तो है सब दंत कथाएं, तुम बच्चों को अर्थ समझाया जाता है। बाप बच्चों को समझाते हैं, एक तो कोई भी कोई को भी दुखी नहीं देना है, दुख नहीं देना है, दुखी नहीं करना है, बाबा कभी किसको दुख नहीं देते, तो तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है। दूसरे को दुख दिया गोया अपने को दुख दिया, किसको दुख देते हैं गोया अपना ही खाता खराब करते हैं, इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करना है जिससे रजिस्टर खराब हो, ओवरराइटिंग हो जाती है तो कितना खराब लगता है। बच्चे लिखते हैं कि बाबा आज हमसे यह भूल हो गई, उस पर क्रोध किया, आज मैं गिर गया, बाबा हमारा इसमें मोह है, बहुत रिपोर्ट आती हैं। फिर उनको समझाया जाता है तुम्हारा अंजाम वायदा है कि आप जब आएंगे तो मैं आपके साथ ही बुद्धि योग रखूंगा, नष्टो मोहा बनूंगा। सन्यासी को बाबा कहते सन्यासी तो छोड़कर चले जाते हैं, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं, तुमको तो प्राप्ति बहुत है, इसलिए नष्टो मोहा पूरा बनना है, प्यार एक बाप में रखो या उनको ही याद करना है। ऐसे भी बहुत हैं जो बाबा के प्यार में आंसू बहाते हैं कि ऐसे बाबा से हम दूर क्यों हैं, हम तो बस शिव बाबा से ही लटके रहें, यहाँ प्राप्ति बहुत भारी है, बाहर के सत्संगों में ढेर जाते हैं, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं। वह तो ऐसे किसको नहीं समझाते कि काम महाशत्रु है, मनुष्य मनुष्य को राजयोग सिखला ना सके। हाँ, कोई राजा बनते हैं अल्पकाल सुख के लिए, बहुत दान पुण्य गरीबों को करते हैं तो कहाँ राजा के पास जन्म मिल जाता है। कहते भी है ना, सुना होगा कि इसने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो इतनी अच्छी रॉयल फैमिली में इसका जन्म हुआ है ना, हमने पाप किए तो देखो हम कैसे भूखे गरीब बने फिर रहे हैं ना, तो ऐसा तो अंदाज लगाते भी हैं, आत्मा कहती भी है ना, धिक्कारती है कि हमने कुछ गलत किया होगा तभी तो ऐसे हम परेशान हैं। तो बाबा कहते इस तरह से यदि कोई करता है तो फिर दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए राजाओं के पास में जन्म मिल जाता है, यहाँ तो तुमको 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है। बाप कहते हैं एक तो पवित्र बनो, दूसरा मनसा वाचा कर्मणा, किसको दुख नहीं दो, आज बाबा ने दुख के लिए बार बार कहा है,
नहीं तो सजा के निमित्त बन पड़ेंगे। क्योंकि वहाँ बाबा कहते हैं तो बाबा तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन यहाँ धर्मराज बैठा है जो बाबा का साथ साथ चलता है। तो बाबा का राइट हैंड है धर्मराज, तुम्हारा रजिस्टर खराब हो जाएगा, बहुत सजा के निमित्त बन पड़ेंगे। मुख से बोला, इंद्रियों से कुछ भी कर्म किया तो वह कर्मणा हो जाएगा। बाप समझाते हैं कि कर्मणा में नहीं आओ, तूफान भल आए परंतु तुमको बहुत मीठा बनना है। क्रोधी से क्रोध नहीं करना चाहिए, मुस्कुराना होता है। क्रोध में मनुष्य गाली देते हैं, समझते हैं इनमें क्रोध का भूत आया है। ज्ञान से समझाना होता है, गृहस्थ व्यवहार में तुम्हारा व्यवहार बहुत मीठा होना चाहिए। भक्तों के लिए कहते भी हैं कि आगे तो इनमें बहुत क्रोध था, है ना, फिर बाबा के ज्ञान में आकर कितना कम हुआ। तो कई देखते रहते हैं तो उनका आंकलन भी करते रहते हैं ना, मूल्यांकन करते हैं, तो कहते हैं इनमें बहुत क्रोध था, अभी बहुत मीठा बन गया है। महिमा करते हैं, कोई तो पवित्रता पर बिगड़ते हैं कि विकार बिगड़ सृष्टि कैसे चलेगी, है ना, कई कई बिगड़ते हैं। अरे सन्यासी विकार में नहीं जाते हैं, फिर उनके लिए तो कुछ कहो, पवित्र बनना तो अच्छा है ना। यहाँ तो घर बार भी नहीं छुड़ाया जाता, ऑलमाइटी सुप्रीम पावर कहता है कि घर नहीं छोड़ना है, रिश्ते नाते नहीं छोड़ना है, बल्कि उनको और अच्छा बनाना है ना। तो बाबा कहते बहुत मीठा बनना है, सबसे मीठा। एक बाप को याद करना है, वह है रचयिता, हम हैं रचना। वर्षा बाप से मिलना है, भाई भाई से वर्षा मिलना सके। गाते भी हैं हम सब भाई भाई हैं, तो ज़रूर बाप भी होगा ना। ब्रदर्स बाप बिगर होते हैं क्या? बाप बिगर कैसे होंगे? तो अभी देखो तुम कैसे भाई बहन बनते हो। वर्षा दादे से मिलता है, मुख वंशावली ठहरे, गाया भी जाता है प्रजापिता। इतनी सारी प्रजा है तो ज़रूर अडॉप्टेड होगे, कुख वंशावली हो ना सके। तुम ब्राह्मण फिर देवता बनते हो, यह बाजोली तुम खेलते हो या चक्र फिरता रहता है, इनको नई रचना कहा जाता है। तुम बच्चों की तकदीर अब अच्छी बन रही है, नरसिंह नारायण बनने आए हो, यह है एम ऑब्जेक्ट। लक्ष्मी नारायण बन रहे हो, चित्र सामने खड़े हैं। कोई भी पढ़ाई पढ़ते समय बिना एम ऑब्जेक्ट के कोई ना तो छोटे बच्चों को स्कूल भेजता, और ना ही आप अपना कोई पढ़ाई करेंगे तो बिना एम ऑब्जेक्ट के पढ़ाई नहीं। तो यहाँ भी एम ऑब्जेक्ट है इस पढ़ाई का कि क्या बनना है, लक्ष्मी नारायण, सुख की दुनिया में जाना है। तो चित्र सामने खड़े हैं, फिर यह है क्यों कहते हैं कि साक्षात्कार हो तब हम जाने। अरे तुम्हारा बाप मर जाए तो चित्र तो देखेंगे ना, ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि वह बाप जिंदा हो जाए। बाप का दीदार तो तब माने, बाप को देखना है तो नहदा भक्ति करो तो बाबा का वह साक्षात्कार करा देंगे। परंतु साक्षात्कार से क्या होगा, आपने भक्ति में सफ़ेद शेर देख लिया, कहा मैया आई सपने में, अब वो मैया के आने से सपने में क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आपने कृष्ण को माना, इष्ट को हनुमान जी को माना या कृष्ण को माना, उनको देख लिया, क्या हुआ, कुछ मिला क्या, नहीं मिला ना। तो बाबा कहते फिर वो तो नहदा भक्ति में साक्षात्कार होगा, लेकिन उससे क्या होगा, यहाँ तो तुमको साक्षात्कार होता है, तुम सो देवी देवता प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तो यह समझने की बातें हैं, तुमको इस धुन में ही रहना है। तुम तो जानते हो कि अभी राजधानी स्थापन हुई नहीं है, अभी लड़ाई लग ही नहीं सकती, कर्मातीत अवस्था अनुज कहाँ हुई है। अभी तुम देखेंगे कि गली गली में यह रूहानी हॉस्पिटल कॉलेज खुलते जाएंगे, बाबा बुद्धि का ताला खोलते जाएंगे, ब्राह्मणों की वृद्धि होती जाएगी। वो वाले ब्राह्मण नहीं जो पूजन पाठ करते हैं, वो वाले ब्राह्मण जो बाबा की मुखवंशावली ब्राह्मण, पवित्र आत्माएं, प्योर आत्माएं, पांच विकारों से दूर रहने वाली आत्माएं, है ना। तो ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है, तुम्हारे में भी ताकत आती जाएगी, जितनी प्योरिटी उतना बल। तो अभी भाषण से एक दो निकलते हैं, फिर 50-100 निकलेंगे, पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे,
होना तो है ना, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, छोड़ना नहीं है ना बाबा। कई कई समझते हैं लेकिन बाबा साफ साफ लिखते हैं कि गृहस्थ व्यवहार छोड़ना नहीं है। सब बच्चों को मैं अपने पास बुला करके बिठा नहीं सकता हूँ, है ना। वहाँ जहाँ हो वहीं से मुझे याद करो, वहीं से मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन मैं सबको बिठा नहीं सकता हूँ। सबको जहाँ जैसा ड्रामा मिला है वैसे ही रहना है। बाबा कहते हैं छोड़ना नहीं है, कोई निकाल भी देते हैं परंतु इसमें नष्टो मोहाच्छा होना चाहिए। इसलिए बाप शरण भी बड़ी खबरदारी से देते हैं, नहीं तो फिर यहाँ आकर तंग करते हैं। बच्चों को बहुत मीठा बनना है, तुम्हारा ज्ञान है ही गुप्त। कान में मंत्र देते हैं ना, अब वो कान में क्या मंत्र देते हैं, जिन्होंने लौकिक में गुरु दक्षिणा ली है वो ही जानते होंगे। यहाँ तो जो हमारे सुप्रीम सोल सतगुरु का है ना, जो हमारे गुरु का गुरु दीक्षा में जो मंत्र मिला है वो मंत्र तो मनमना भव है ना, मामे कम याद करो। तो बाबा कहते कान में मंत्र फूंक देते हैं ना, तुम भी किसको कहते हो, शिव बाबा को याद करो, है ना। आगे चल, सिर्फ कहने से ही बुद्धि में ठका हो जाएगा और झट पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे, धीरे धीरे झाड़ बढ़ेगा। बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है, अंधों की लाठी बनना है, नंबर वार बनते हैं ना, सब एक समान तो हो नहीं सकते। हाँ, सतयुग में सब पवित्र हो जाएंगे, वहाँ दुख का नाम नहीं होता, दीपमाला होती है सतयुग समा। बाबा कहते सतयुग में है ना, दीपमाला कब होती है, सतयुग में। दशहरा है संगम पर, संगम युग पर दशहरा है, वहाँ तो सदैव दिवाली है। हाँ, ये दिया हमेशा ही सोझरे में रहता है, जलता रहता है ना। तो जब दशहरा होता है तब इसका ये बुझा रहता है ना। तो पापा कहते हैं वहाँ तो दिवाली हर रोज रहती है। दिवाली का अर्थ ही है सब आत्माओं की ज्योत जग जाती है, क्योंकि ज्ञान का घृत जो है वो पूरा हो जाता है तो फिर ज्योत जल जाती है। ऐसे नहीं कि सतयुग में कोई दिवाली मनाते हैं, दीवे आदि जगाते हैं, नहीं, वहाँ तो खुशियाँ मनाते हैं। जब कॉरोनेशन होता है, यह ज्ञान की बातें हैं, हर एक की आत्मा साफ शुद्ध होती है, वहाँ सब पवित्र होते हैं। तुमको रोशनी मिली है, जैसे बाबा को नॉलेज है वैसे तुम बच्चों को भी है। बाकी तो वहाँ सब पवित्र ही होते हैं, तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो बाप समझाते हैं बच्चों को कभी डरना नहीं है, तुम्हारी लड़ाई बिल्कुल ही अलग है। तुम्हारी लड़ाई है ही पुराने दुश्मन रावण से, तुम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। बाप तुमको विश्व का मालिक बना रहे हैं, बाहुबल से कोई विश्व का मालिक बन ना सके। अभी टाइम बाकी थोड़ा है, विनाश सामने खड़ा है, कल्प पहले मुहाफिक, हम राजयोग सीख रहे हैं गुप्त। कितनी गुप्त पढ़ाई है इसको कोई नहीं जानते। जिन्होंने कल्प पहले राज्य भाग्य लिया है वही अब लेंगे, उन्हों का ही पुरुषार्थ चलेगा। जितना रावण पर जीत पाते जाएंगे उतनी याद से शक्ति मिलती जाएगी। बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा कहते हैं कि बच्चे सर्विस करते करते थक मत जाना। कोटों में कोई ही निकलते हैं फिर भी माया का थप्पड़ लगने से फेल हो जाते हैं। माया भी सर्वशक्तिमान है तो बाबा भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प तो माया भी जीत लेती है ना, तो बाप को याद करना है और श्रीमत लेते रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला भी बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा, सारे खजानों की एक ही चाबी मेरा बाबा ना। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा सच्चा प्यार एक बाप से रखना है, बाकी सबसे नष्टो मोहा बनना है, मुख सेवा कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, रजिस्टर सदा ठीक रखना है। दूसरा, सर्विस में कभी थकना नहीं है, अथक सर्विस करना है, निष्काम निरहंकारी
निष्कामी बनकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, घर घर में रूहानी हॉस्पिटल खोल सबको याद की दवाई देनी है। कैसे वृद्धि को होगा वो तो आप सभी देखते ही हैं और देख रहे हैं, देखते जाएंगे। वरदानी बाप का वरदान, प्रवृत्ति में रहते लौकिकता से न्यारे रहे, प्रभु का प्यार प्राप्त करने वाले लगाव मुक्त भव। प्रवृत्ति में रहते लक्ष्य रखो कि सेवा स्थान पर सेवा के लिए हैं, जहाँ भी रहते वहाँ का वातावरण सेवा स्थान जैसा हो। प्रवृत्ति का अर्थ है परवृत्ति में रहने वाले, अर्थात मेरापन नहीं। बाप का है तो परवृत्ति है, कोई भी आए तो अनुभव करें कि ये न्यारे और प्रभु के प्यारे हैं। किसी में भी लगाव ना हो, वातावरण लौकिक नहीं अलौकिक हो, कहना और करना समान हो, तब नंबर वन मिलेगा। स्लोगन, सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहो तो परिस्थितियाँ आएंगी और बदल जाएंगी। सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहो तो परिस्थितियाँ आएंगी और बदल जाएंगी, क्योंकि बाबा ने तो अष्ट शक्तियाँ दी हैं, ना जाने कौन कौन से आपको टाइटल दिए हैं, सोमान दिए हैं, तो सोमान में रहो, अपनी स्थिति को श्रेष्ठ रखो और बस, है ना, हर मुश्किल को पार करने वाले बनो, है ना, पहाड़ को राई राई से रूही बनाना है ना। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का प्यार का, गुड नाइट, ओम शांति।